के उजाला लाती थी, वो सब नहीं है। अरे तो मतलब मैं मैं अभी तुम्हें रोशनी में देख रहा हूं, बहुत अच्छा लग रहा है। और पहले तुम्हारी चद्दर चटकदार होती थी, नीली पीली, लेकिन अभी तुमने एक सफेद चद्दर ओढ़ी है, अच्छा लग रहा है। तुम्हारे रील्स में मैंने कवर ओढ़ा, मैंने बेड का कवर ओढ़ा, ये चद्दर भी नहीं है मेरे पास, गरीब हूं मैं बहुत। नहीं, अभी तुम्हारे रील्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, तुम्हें अच्छे अच्छे मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं। और पहले तुम शुरुआत तुमने की एक न्यूज़पेपर के घर में तुम रहती थी, न्यूज़पेपर के घर में रहने के बाद तुम पन्नी के घर में रहने लगी, पन्नी के बाद तुमने झुग्गी में रुक किया, झुग्गी के बाद तुमने खोली ली बिहारियों के साथ, और आज तुम्हारा वन रूम किचन है पनवेल में। बाप रे, पनवेल में वन रूम किचन, घनसोली जैसे एरिया में आज वन रूम किचन होना बहुत बड़ी बात है, जो शादी तुमने 6.5 लाख में कर लिया रहा है है। क्या मेरे मजे ले रहा है साले? तो मैं तुम्हारे सक्सेस की बहुत तारीफ करता हूं कि आज तुमने 6.5 लाख में वन रूम किचन लिया है। 6.5 लाख नहीं सचमुच यार, मतलब तुमने तो बहुत तरक्की की है। और अभी तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या है? क्या है क्या प्लान? अभी तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या है? फ्यूचर प्लान पता नहीं, भगवान जाने, जो होगा सो होगा। हाय कर्ली, बिग फैन, थैंक यू मैंने ना एक तुम्हारी वीडियो देखी थी, वो वाली, तुम पापा की क्या हो, परी, मम्मी की, मम्मी लाली, की लाडली, बहन की लवली। दीपक दीपक अरे दीपक हमेशा तुम लोग मेरे फैंस कह के आते हो, मैं लेकिन बहुत अभी तो खुश जमाना हूँ, उल्टा हो गया है। आज लोग मेरे लाइफ पे आते हैं कर्ली के फैंस बनकर। आखिर ये कर्ली ने ऐसे क्या लोगों के दिल में जादू कर दिया है? मिस्टर दीपक कलाल, कर्ली के फैंस जितने हैं ना उतना तो तेरे भी नहीं है, तो तू तो इतना बोलता रहता है कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं बोलता, लेकिन कर्ली बहुत कुछ बोलती है। कर्ली क्या बोलती है? मैं बहन की लौड़ी। ओ बहन कर्ली, बहुत टाइम से भाई मैं तेरे को देख रही हूँ, बहुत टाइम से देखा है मैंने तेरे को, बहुत टाइम से, सच्ची ये मेरे को प्यार कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा प्यार कर रही है यार क्या, दोस्त हूँ मुझे मैं। लगता है ये कुछ और लेना चाहती है। दीपक बहुत कुछ तो बोल, दीपक कुछ तो बोल, अरे मेरी बोलती बंद हो गई है, क्योंकि दिन ब दिन तुम्हारी फैन फॉलोइंग इतनी बढ़ते जा रही है, और तुमने बहुत ही एजुकेशनल और अच्छे अच्छे वीडियोस बना के तुमने तुम्हारी फैन फॉलोइंग बढ़ाई है। और की बढ़ रही है तेरी, क्यों चल रही है साले लौड़े, वो ना किसी और की बढ़ रही है, तुम्हारी नहीं बढ़ रही, तुम्हारी अगर बढ़ रही होती ना दीपक कलाल, तुम्हारा लाल हो जाता, हरा हरा होके लाल हो जाता, लाल होके तुम्हारा पीला भी हो जाता, पीला होके बोले कर्ली हेयर को, कर्ली वाली तो बोले तो एक नंबर है ब्रो, है ब्रो, बोले ना तुम कौन हो दीपक को। मेरा लेजेंड सिर्फ दीपक कलाल है, अरे अरे कर्ली तेरे को मालूम है, दीपक कलाल कर्ली तेरा तू क्या बोल रही है यार, कर्ली तू क्या बोल रही है यार, तेरा मोटिवेशन दीपक कलाल से कैसे आ सकता है रे, मेरे को नहीं दिखता रे। आज पता तुम्हें, तुम्हें मैं एक बात बताती हूँ, आज कैसी बात, दिल से मैं तुम्हें एक बात बता रही हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ, अरे अभी जो दीपक तेरी कलाल फ्रेंड है ना, जो सुनने तेरे सुन, जिसके जिसके साथ अबे हुआ सोने सुन मेरी वाली है बात, तेरी फ्रेंड। अबे मेरी बात सुन, दीपक तूने बोला था कि तू एक केला खा के मर गया था, लेकिन नासा के साइंटिस्ट ने तेरे को दोबारा से जन्म दिया, और कैलिफोर्निया के डॉक्टर ने तेरे को तेरा क्लोन बनाया, तो मुझे लगता है कि तू क्लोन है, तू रियल नहीं है, जो रियल वाला दीपक कलाल था उससे हम प्यार करते थे, ठीक है, मैं बहुत खुश अच्छा लेकिन हूँ, प्यार करने वाला तेरे पीछे कौन खड़ा है ये भी तो बता। मेरे पीछे पीछे तो कोई भी नहीं है, एक देख लड़की है देख पीछे। देख,
देख पूरे कमरे में कोई नहीं है, पूरे कमरे में कोई नहीं है, बिस्तर के नीचे कोई है वॉल करके, मैं हूँ और मेरी बोतल है। बापरे कर ली। हाँ ये तेरे बारे में बकचोदी कर रहा है, कह रहा है कि तू है और तेरे साथ कोई एक लड़की है। नहीं तेरे बारे में नहीं बोला। कौन है वो, कौन है वो, कौन है वो, नाम बोल उसका। दीपक मेरे बारे में, उसका नाम है प्रीति राणा। मेरे बारे में, अरे दीपक जिसकी दुनिया चुगे दाना और तेरी गांड में डाले दाना, कोई मुर्गा आए तेरी गांड ले जाए और तेरी गांड में हिलाए हिला के जाए और तेरी दीपक गांड मार लेगी तेरी, अब तू देख ले। दीपक बकचोदी मत करियो, दीपक बकचोदी नहीं, दीपक बकचोदी नहीं, मेरी दोस्त को लेके किसी के बारे में ही बोलते, वरना मैं कर ली हेयर वाला डायलॉग मार लूंगी। दीपक 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 पापा का क्या है परा और बहन का क्या है लौड़ा। दीपक मैं बहुत खुश हूँ। कर ली यार, तू तो यार बिल्कुल मेरी तरह दिखती है रे। फिल्टर लगा है तू तो बिल्कुल मेरी तरह दिखती है रे, पर यार तू मुंबई से है। मुंबई से? हाँ यार मुंबई से है ना, दिल्ली से नहीं है, वरना दिल्ली में होती तो नहीं है। दिल्ली के अरे तो दिल्ली में कौन सी वसंत कुंज से है, तू तो जीबी रोड से है, कौन सी वसंत कुंज से है। लेकिन तू तो जीबी रोड का दल्ला भी नहीं है बहन के लोड़े, तू तो वहाँ का भी नहीं है माधवचोद, तू वहाँ का होता तो जीबी रोड। इसको बहन के लोड़ो को जीबी रोड की स्पेलिंग भी नहीं पता होगी, जीबी की नहीं पता होगा। जीबी का तेरे लिए दीपक कलाल, तेरे लिए जीबी का फुल फॉर्म है गंडमरा भड़वा। ओके तो तू चूतिया बंदी कर रहा है और हमें दिख रहा है कि तू चूतिया बंदी कर रहा है, ठीक है। तू ये मौसम्बी और अंगूरी पी रही है ना, ये जो थर्रा तू पी रही है ना, ये थर्रा बोल रहा है, ये तू नहीं बोल रही है, नशे में चूर तू जो ये अंगूरी पी रही है, ये जो थर्रा तू पी रही है, पौवा पी रही है ना, तेरा पौवा बोल रहा है, ये तेरा पौवा। जब तू पौवा पीना छोड़ देगी ना तो सुधर जाएगी। बेटा तू चूतिया दीपक कलाल के चौधरी, सुन मेरी बात, चूतिया बंदी नहीं। एक मुझे बात बता, वो लड़की है उसको क्यों बुलाया है तूने आज, तू उसके साथ लेस्बियन चली गई, कर ली चली गई, कर ली चली। नहीं नहीं तू ये लड़की को क्यों बुलाया, तू लड़की के साथ उसके साथ क्या लेस्बियन करने वाली है क्या? तू जीवी रोड का बता रहा ना बहन कलोड़े, जीवी का फुल फॉर्म ही यही है गंडमरा बड़वा, और जो जीबी रोड पे जाते हैं उनको पता होता है कि वो कहाँ के हैं, तो तू भी वहीं का है, समझ में आया? तू गया होगा वहाँ पे बहन के लोड़े, तभी तू गंडमरा बन के आ गया, तभी तू बोलता रहता है ना मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। नासा के साइंटिस्ट ने तेरी गांड मारी थी, इस वजह से वो तेरे ये बोलते हैं, इस वजह से उन्होंने तेरा क्लोन बना लिया। देख दीप एक मिनट रुक जा, देख प्रीति कुछ बोलना चाह रही है, बोल। मैं तो सो रही हूँ, मैं तो सो रही हूँ। देख प्रीति सो रही है, ठीक है, और अगर तू लाइव पे ये बकचोदी करना चाहता है तो बता दे। अच्छा, मैं तेरे साथ लास्ट तक रहूंगी, अगर तुझे लाइव पे मेरी बकचोदी मैं लास्ट तक रहूंगी, तू बता। अच्छा सबसे पहले मुझे तेरी बोतल दिखा, जो बोतल तू पी रही है। शट अप शट अप। मैं अरे तेरी बोतल दिखा, सबसे पहले तू तेरी बोतल दिखा। नहीं बोलना चाहिए दीपक, सुन मेरी बात करा दे यार। दीपक हाँ तेरी बात सुन, तू तो मेरे से बोल रहा था अच्छी बात करो यार, मेरी बात सुन, मैं तो सो रही हूँ यार। तूने तो बोला था तू बहुत अच्छी बात करेगा दीपक, तुम कैसी बात कर रहे हो यार। बात कर रहा हूँ दीपक। अरे तुझे क्या ये लड़की ने सोने के लिए बुलाया है क्या? सोने वाली बात, तुझे क्या लगता है कि एक लड़की जब दूसरे लड़की को बुलाती है तो सोने के लिए बुलाती है? दीपक फालतू की बकचोदियां क्यों करता रहता है तेरे को? क्योंकि ये गंडमरा है, क्योंकि ये भैंस का लोड़ा है। इनबॉक्स में सारी चीजें अलग होती है, मैसेज में सारी चीजें अलग करता, क्या करता है क्या है? क्या बकचोदी कर रहे हैं? इनबॉक्स में क्या करता है, कैमरे में क्या करता है यार? ऐसा दोस्त है क्या तू मेरा? मतलब ऐसी चीजें करेगा क्या इनबॉक्स में? तूने मेरे को सारी चीजें बोली क्या? लाइव आ जा, सारी चीजें अच्छे से बात करेंगे। अब तू वो फालतू की बकचोदी। अब मैं मेरी बात, मैं जा रही हूँ सोने, मेरे को सुबह मेरी बहुत अर्जेंट मीटिंग है, मेरा शूट है, मैं सो रही हूँ, मेरी दोस्त जगी हुई है, ये इसके हाथ में फोन है, लाइव
अरे तेरी जो मीटिंग है ना वो अभी बाजू वाले कमरे में है, तेरी जो मीटिंग है वो बाजू वाले कमरे में है अभी। इसकी बकचोदी पर ध्यान मत दे सोना, ये बहन का लोड़ा है बेबी, इसकी गांड फटी पड़ी है, ये मेरा बेटा है जो है ना, और इसकी माँ चुदी पड़ी है। नहीं मेरे को बोला दीपक, मैं नहीं चाहती मैं तुम्हें कुछ भी गलत बोलूं, मैं तुम्हें कुछ भी गलत बोलूं, या मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी गलत भी चीजें बातें बोलूं, लेकिन मुझे मेरा इतना अच्छा दोस्त बोलता अपने आप को ये बकचोदी नहीं करता। अच्छा दीपक एक चीज, ऐसा नहीं है, मजाक की बात छोड़ के, सारी बातें छोड़ के मैं बोलना चाहती हूँ, बहुत अच्छी फैन हूँ मैं तुम्हारी, ऐसा नहीं है, फैन नहीं हूँ, हाँ हूँ थोड़ा बहुत, चलो ठीक है चलता है।